तो आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सभी डीजे वाले, मतलब डीजे जो चलाते हैं, वो सभी सोचते हैं कि बेस लेने से पहले, जिसे बेस लेने जाते हैं, तो सोचते ज़रूर हैं कि कौन सा कैबिनेट लें, कौन सा कैबिनेट में पंच हमें ज़्यादा मिलेगा, मतलब पंच अच्छा आएगा। तो ये सभी के मन में आता है सवाल कि कौन सा कैबिनेट अच्छा रहेगा, ये स्कूब और टीबिन कैबिनेट और फ्रंट कैबिनेट। तो हम इसमें तीन कैबिनेट लिए हैं, और भी बहुत सारे कैबिनेट हैं। तो सभी के पहली बात की सभी कैबिनेट अच्छे होते हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन इसमें हम बात करेंगे जो मैंने यूज़ किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने अभी फ़िलहाल यूज़ किया है टीबिन कैबिनेट यूज़ करके देख लिया है, और फ्रंट वाला देख लिया है, स्कूप बिन, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इसमें एक स्पीकर लगते हैं, ये वाला भी कैबिनेट अच्छा होता है। इसमें भी लॉन्ग थ्रो काफ़ी जाता है, बेस पंच लॉन्ग थ्रो अच्छा इसका जाता है। तो हम तीनों कैबिनेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा कैबिनेट अच्छा है, कौन सा नहीं, मतलब पंच के लिए। कैबिनेट तो सब सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजे रॉक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तीनों कैबिनेट में, या कोई भी कैबिनेट ख़राब नहीं होते हैं, सभी अपने अपने जगह पर सही होते हैं। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा वाला कैबिनेट ख़राब है या इसमें ऐसा पंच नहीं मिल रहा है। तो सभी में पंच मिलेगा, अच्छे से एम्पलीफायर की कनेक्शन करें, जो आपका वाटेज के हिसाब से अपना एम्पलीफायर लगाएं। तो बात करते हैं कैबिनेट के बारे में, तो शुरू करते हैं ए वाले, क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट वाले कैबिनेट से। तो फ्रंट कैबिनेट और टी कैबिनेट और स्कूप कैबिनेट, जो ये लंबा वाला होता है, तो जो ये बड़ा वाला जो कैबिनेट है, जो आपको मैं जो कैबिनेट है ए वाला, तो इसमें एक स्पीकर लगता है बीचों बीच, और इसमें 1500 वाट से ज़्यादा हम डालेंगे तो अच्छा रहेगा, 1500 2000 जितना मतलब डाल सकें, 1500 कम से कम हम इसमें स्पीकर लगाएंगे, तभी आपका पंच अच्छा मिलेगा। और ये बड़ा कैबिनेट है, तो ये बड़ा डीजे सेटअप के लिए अच्छा होता है, छोटा के लिए थोड़ा, ये छोटा डीजे के लिए हम बात करें तो ये फ्रंट वाले या टी कैबिनेट, टीबिन कैबिनेट जो ये वाला है, तिरछा वाला, जो तिरछे स्पीकर लगते हैं, ए वाले स्पीकर, ए वाले कैबिनेट छोटे डीजे या बड़े डीजे में भी बेस्ट होते हैं। इसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, छोटा रहता है बेस, लेकिन पंच काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बात कर ले दोस्तों फ्रंट और ये टी बिन कैबिनेट, तो टी बिन कैबिनेट सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा ओपिनियन रहेगा, टी बिन कैबिनेट। और स्कूब कैबिनेट भी बेस्ट है, अच्छा है, उसमें भी पंच आएगा लॉन्ग थ्रो के लिए, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, जो जो छोटे डीजे सेटअप होते हैं उसके लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि पिकअप या कुछ ट्रैक्टर में लोड करने के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है। तो जैसे ज़्यादा बड़ा बड़ा सेटअप होते हैं, जैसे 4 बेस हम लगाएंगे स्कूब वाले, तो ये बड़ा बड़ा डीजे सेटअप के लिए बेस्ट रहता है ये वाला स्कूप कैबिनेट। और टीबिन कैबिनेट, अगर हम इसमें 2 बेस और जैसे सिंपल डीजे हम लगाते हैं, 4 बेस या 2 बेस लगाएंगे, तो टीबिन कैबिनेट सबसे बेस्ट होने वाला है इसमें, क्योंकि मैंने यूज़ करके ही आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो फ़िलहाल में मैं अभी कैबिनेट लेने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम, तो अभी तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं लूँगा तो आपको फ्रंट वाला
कैबिनेट और टी बिन कैबिनेट का टेस्टिंग करके भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सा ज़्यादा पंच आ रहा है। तो जैसे टी बिन कैबिनेट सबसे अच्छा ओपिनियन मेरे हिसाब से है, तो अगर आपके पास फ्रंट वाला भी है तो वो भी अच्छा है, लेकिन जो टी बिन कैबिनेट है उसमें पंच जो है वो अच्छा आता है, बेस पंच जो छाती में लगता है धक धक करके, वो वाला पंच इसमें आता है सबसे अच्छा। तो वीडियो में बस इतना ही था, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप अगर आपको मतलब बेस लेना हो, बेस कैबिनेट, तो आप टी बिन कैबिनेट ही लें। अगर नया नया ले रहे हैं तो फ्रंट वाले भी ले सकते हैं, लेकिन टी बिन वाले मेरे हिसाब से ओपिनियन से अच्छा है और पंच सबसे अच्छा इसमें आता है। मैं आपको जब ले पाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ फिर, तो सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। तो वीडियो कैसा लगा नीचे जाके आप कमेंट करें कि आपके पास कौन सा कैबिनेट है, और जो मैंने बताया वो कैबिनेट मैंने जो बताया मेरा जो ओपिनियन था वो सही है या गलत, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना सुझाव दें इस चैनल के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी टाइप के टॉपिक के साथ, कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।